प्रबंध के उद्देश्य, प्रबंध के उद्देश्य करने से पहले आपको पता होना चाहिए उद्देश्य क्या होते हैं, ठीक है। तो उद्देश्य इसका अभिप्राय अंतिम बिंदु से है जिन्हें प्राप्त करने के लिए संगठन के विभिन्न क्रियाएं अग्रसर होती है या एक संगठन विभिन्न क्रियाएं करता है। इट रेफर टू दोज एंड पॉइंट्स फॉर द अटेनमेंट ऑफ विच ऑल द एक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर अंडरटेकन। तो उद्देश्य वे अंतिम बिंदु हैं जिन्हें प्राप्त करने के लिए कोई भी संगठन विभिन्न क्रियाएं कर रही है। तो प्रबंध के उद्देश्य हैं उसे तीन हिस्सों में बांटा गया है, संगठनात्मक उद्देश्य ऑर्गेनाइजनल ऑब्जेक्टिव, सामाजिक उद्देश्य सोशल ऑब्जेक्टिव, व्यक्तिगत उद्देश्य पर्सनल ऑब्जेक्टिव। जो आपका है संगठनात्मक उद्देश्य, इसका अभिप्राय प्रबंधकीय क्रियाओं के दौरान संगठन में उपलब्ध मानवीय व भौतिक संसाधनों का उपयोग सभी हितार्थियों के हित में करने से है। हितार्थी कौन होते हैं? आपके कंपनी के स्वामी जो होते हैं, उनके विनियोगकर्ता इन्वेस्टर्स होते हैं। तो उपलब्ध जितने भी संस्था में मानवीय व भौतिक संसाधन है उनका उपयोग सभी हितार्थियों के हित में करने से है। उदाहरण, व्यवसाय का लंबे समय तक जीवित रहना, व्यवसाय का अत्यधिक लाभ अर्जित करना, व्यवसाय का निरंतर विकास करना। लंबे समय तक जीवित रहना, अधिक लाभ अर्जित करना, विकास करना। नेक्स्ट है सामाजिक उद्देश्य, इसका अभिप्राय प्रबंधकीय क्रियाओं के दौरान सामाजिक हित का ध्यान रखने से है। भी समाज के लिए हमें कुछ कार्य करने चाहिए। तो सामाजिक हित के उदाहरण क्या होंगे? रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना, वातावरण को दूषित होने से बचाना, लोगों के जीवन स्तर में के सुधार में योगदान देना। व्यक्तिगत उद्देश्य तीसरा है आपका, व्यक्तिगत उद्देश्य इसका अभिप्राय कर्मचारियों के संदर्भ में निश्चित किए जाने वाले उद्देश्यों से है। मतलब जो कर्मचारियों के लिए जो भी आप निर्णय लेते हैं उसको कहेंगे व्यक्तिगत उद्देश्य। तो कर्मचारियों से रिलेटेड क्या उदाहरण होंगे? उचित पारिश्रमिक देना, स्वस्थ वातावरण उपलब्ध करवाना और लाभों में हिस्सा प्रदान करना। दूसरे को आप ऐसे भी लिख सकते हो, काम करने का अच्छा वातावरण उपलब्ध करवाना और लाभों में भी उन्हें हिस्सा देना। ये मार्च 2024 में जो आपका एनुअल एग्जाम हुआ है उसमें भी ये क्वेश्चन आया था, प्रबंध के उद्देश्यों का वर्णन करें, बड़ा प्रश्न आया था। इसके अलावा कई बार ये इस तरीके से भी आ जाता है, संगठनात्मक उद्देश्य से आप क्या समझते हैं, या सामाजिक उद्देश्य से क्या समझते हैं, या व्यक्तिगत उद्देश्य का अर्थ बताए, या बहुत छोटे प्रश्नों में इस तरीके से भी आ सकता है, सामाजिक उद्देश्यों के दो उदाहरण दें या व्यक्तिगत उद्देश्यों के दो उदाहरण दें, ठीक है। तो आपको ये टॉपिक अच्छे से तैयार करना है, प्रबंध के उद्देश्य, और इससे पहले उद्देश्य का मीनिंग भी आपको कर लेना है।